सिंपथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था, मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। सिंपथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके
आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बैठिए माननीय सदस्य प्लीज। ये तरीका आदरणीय अध्यक्ष जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, अखिलेश जी तुलसीदास जी कह गए हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है, जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को फटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे, केस 8,500 रुपये आए कि नहीं आए, ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया, माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ, इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, एचएएल को लेकर के झूठ, एलआईसी को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया,
कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एमएसपी नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है। और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करे ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60-60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाए, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है, इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़ ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाएं ताकि आपको पसंद आए। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।